पसंद कर लिया, बोले हैं इसी से शादी करनी है वरना और कुछ। कब पसंद किए? वरना मतलब इसको बोले हैं कि घर से अलग कर देंगे। कब पसंद किए? कुछ बोलोगी? जब मैं नहीं आई, जब नहीं आई थी तब। तब जो वो बोलेंगे मैं कर, जो मतलब वो बोलेंगे वो करेंगे। वो बोल रहे हैं उस लड़के शादी करने के लिए, तो तुम कर लोगे? ये जो रिलेशनशिप 3-4 साल का था, मजाक किया जाए। देखो ना, इसके मम्मी पापा भी तो इसको घर अलग कर रहे हैं ना, रह पाएगी अपने माँ बाप के बिना? मनाए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज मैं और रोली आ चुके हैं और हम लोगों ने हर्ष को बुलाया क्योंकि हर्ष ने इसके पहले मुझ पर किया था प्रैंक, सेल्सियस प्रैंक। तो हम लोग भी करने वाले हैं उनके ऊपर कुछ धमाकेदार प्रैंक और थोड़ा इमोशनल और मजा ही आएगा। उनको परेशान रोने वाले हैं, रोने क्या, सैड भी हो सकते हैं, रो भी सकते हैं, थोड़ा परेशान करेंगे, उसमें साथ दे रही है मेरा रोली। कोशिश करेंगे कि रोए रोए। हाँ, रोए वो बंदा, मुझे बहुत रुलाता है। तो अभी वो आते ही होंगे, तब तक वीडियो में एंड तक बने रहना। तो लव यू गाइस। 2000 years later। अरे यार, तुमको तो पता है, घर बताए थे कि देखने के लिए आ रहे, तो बस वही सब। कैसे तुमने, हाँ की क्या? हाय, अब घर हाय हाय हाय, मतलब घर वाले को तुमने हाँ किया कि नहीं? मैं क्या बोलूंगी, वो जो बोलेंगे वो वही वो। क्या क्या हो गया, क्या हो गया? अरे यार, इसके घर पे ना लड़का, मतलब मम्मी पापा को लड़का पसंद है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? पसंद कर, पसंद कर रहे इसको, बोले कोई दिक्कत नहीं इसको बोले। अरे अरे, मतलब पसंद कर रहे हैं ना, तो सब लड़के देखते हैं। मेरे घर पे भी कोई लड़की मम्मी पसंद कर लेती है। इसको बोले हैं कि उन्हीं से शादी करनी है जो वो बोलेंगे, और किसी से नहीं। कौन बोला? इसके मम्मी पापा? हां, सबके मम्मी पापा बोलते हैं, उसमें क्या है? तो ये सैड है ना, इसको समझाओ भाई। अरे पागल, सैड होने क्या बात है? मम्मी बताई नहीं हर के बारे में भी घर में किसी। यार पता है, बट वैसा नहीं पता है ना कि इस तरीके से, और इतना नहीं पता है कि हम लोग इतना ज्यादा। तो मतलब यार, क्या पूरी बात क्या हुआ, हुआ क्या था? लड़का पसंद कर लिया, बोले हैं इसी से शादी करनी है वरना और कुछ। कब पसंद किए? वरना मतलब इसको बोले हैं कि घर से अलग कर देंगे। कब पसंद किए? कुछ बोलोगी? जब मैं नहीं आई थी, जब नहीं आई थी तब। तब हमको पता ही नहीं कॉल पे, एक बार भी फोटो भी आया है तो तुमको एक बार भी नहीं भेजी, नहीं दिखाई, कुछ नहीं की। सब बताने वाली चीजें, छुपाने वाली चीजें। ये मना नहीं कर पाई अपने मम्मी पापा, क्या मना नहीं कर पाई? क्या हाँ बोलती? हाँ, हाँ नहीं बोली, लेकिन ना भी नहीं बोली। हाँ, हाँ नहीं बोली तो उसमें टेंशन है, तो घर वाले मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। मैं चुप रहने से भी तो शादी हो जाएगी ना, कंफर्म तो हो जाएगा ना कि मेरी बेटी कुछ बोली नहीं रही है। अब ये हाँ ना का जवाब यार, हम क्या करेंगे बता? तुम क्या करोगी? ये पूछने वाली बात क्या करोगी? तुम्हें पता है क्या करना है, मना करना है। बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा, ये कर भी तो नहीं सकती कुछ यार। हर्ष की तरह क्या जाए, तो क्या करना है? मतलब शादी कर लेना, कोई मतलब आएगा तो शादी कर लोगे आप? ये तो मैं घर वालों से कह दूं कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं हर्ष से शादी करूंगी, मुझे नहीं करना, मैं ये बोलूंगी। तो तुम क्या अभी क्या बोलोगे, घर पे क्या बोलोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या। तुम्हारे घर पे ये चला आया, तुम्हारे घर फोटो आया, तुम हमको फोटो भी नहीं भेजी, तुम हमको कुछ बताया नहीं, इसको बता रही है, हमको बता रही है। जैसा वो बोलेंगे मैं देख लूंगी। क्या अकेले थी, बैठी थी, हमको फोन की तो हम इसको मतलब आए, हमको एक पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो ना। आओ कंपनी गार्डन में होली खेलते हैं, इसलिए हमको बुलाए थे तुम लोग। अरे बोले थे इसलिए ताकि तुम आओ, ये मना कर रही थी। हाँ इसीलिए तो मैं बुलाई, झूठ बोल के मना कर रही थी, उनको मत बताओ वो परेशान होंगे। क्या देखिए, मैं उनको नहीं मना कर सकती, मैं नहीं बोल सकती हूँ। आप चले जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, नहीं जाओगे ना? मैं नहीं बोल पा रही हूँ यार, चाह के भी नहीं मैं बोल पा रही हूँ। तो चाहते क्या हो तुम? अगर एक बार रोली, अगर वो उनको पता होता हाँ ये कि ऐसा रिलेशन में, तो एक बार मैं बोलती उनको, मैं यही मतलब ये 3-3.5 साल का रिलेशन जो है मतलब यूं खत्म कर देना है। चाहते क्या तुम? मतलब क्लियर बताओ, चाहते क्या हो? जो वो बोलेंगे मैं कर, जो मतलब वो बोलेंगे वो करेंगे। वो बोल रहे हैं उस लड़के शादी करने के लिए, तो तुम कर लोगे? ये जो रिलेशनशिप 3-4 साल का था, क्या किया जाए? देखो ना, इसके मम्मी पापा भी तो इसको घर अलग कर रहे हैं ना, रह पाएगी अपने माँ बाप के बिना? मनाए, मनाना भी तो कुछ होता है। 3-4 अभी तो तुम हमसे बोले, जब मैं बोला था यार, उनकी रेस्पेक्ट भी तो है यार। आज से 3-3.5 साल पहले जब तुम मेरे साथ आ रही थी, तो मैं तुमको 1.5 साल तक क्यों मना करके रखा था? इसीलिए ना कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो तुम कही थी मनाएंगे मनाएंगे मनाएंगे। अब क्या हुआ? अब तो अपने अपने एक लड़का आया चुटकी में, तो वहाँ कर दी। ये था प्यार, ये था मजा, ये मजा कर रही थी मैं। हाँ नहीं करी हूँ, लेकिन नहीं तो ये क्या की हो?
से मत बोलो, ये रोई है, ये रोई है तो कल दिन क्या मैं चली जाऊंगी बिना कुछ सोचे बिना समझे डायरेक्ट एक लड़की सामने बोलेगी जो उसका 3.5 साल का प्यार उसे बोलेगी। हम क्या करें, अपनी फैमिली को छोड़ दें, उनको छोड़ के आपको पकड़ ले आप रखेंगे अपने घर, चलो बिना शादी के रखो, मेरे घर वाले निकाल देंगे आप रख ले। मना नहीं सकते, टाइम नहीं ले सकते। कितना टाइम दूं यार आपसे, बोल रही थी अब कितना टाइम दूं मैं ये बताओ। तभी क्या करना है, बस जो वो बोलेंगे मैं वो करूंगी। वो क्या बोले हैं? वो यही बोले हैं पढ़ने के लिए बोले। तुम मान गई तो मैं क्या करूं, अपने मम्मी पापा के खिलाफ चली जाऊं क्या, बताओ मैं क्या करूं रोली। नहीं यार क्या करे, कोई कर लू नहीं यार क्या करना ही पड़ेगा भाई, मम्मी पापा वो लड़की वो समझ रही है, देखो मेरे भी मम्मी पापा है और क्या, कोई भी मम्मी पापा हो तो करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा देखिए इसके ना इतना ज्यादा स्टिक है, इसे बोल दिए कि मतलब मर जाओगी तुम हम लोग के, तो ये बहुत बड़ी बात कराए थी हम बोले थे तो ये बस ऐसे ही बोली थी कि बहाने से आंटी अभी मत करिए, अभी तो ऐसा है वैसा, अभी करियर पे फोकस करने दीजिए, इसको भी बोली अरे कब तक, बहुत वैसे आवाज में बात करी थी कि नहीं गुस्से में, हमको तो मतलब डर गई थी मैं खुद उनसे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती यार, सब यही तक था, अब यही बस खत्म करते हैं रिलेशनशिप, अब कुछ नहीं मैं बोल सकती ना कुछ होगा यार, आपस में थोड़ा ठीक है। देखो जो था यहीं तक था आपका काम, अब मैं शादी करूंगी और प्लीज कोई अब ड्रामा मत करिएगा प्लीज, जाऊं मैं। क्या हुआ, फोटो देखोगे? डिसाइड किया आपने? एक बार फोटो देखो, जाओ एक बार देखना तो पड़ेगा फोटो, नहीं एक बार फोटो दिखाऊंगी रोली तुम भी देख लो, मैं नहीं देखूंगा, जाओ आपको फोटो देखनी पड़ेगी। खुश तो रहूंगी, वैसे स्मार्ट तो बहुत है, अच्छा तो बहुत है, रोली देखी है, सुंदर बहुत है, आपसे अच्छा बहुत है। जब मैं मना कर रहा था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो हर्ष मैं मनाऊंगी, मैं करूंगी, वह करूंगी, मत छोड़ो, ये कसम देती थी ये कर देती, जब इसका नंबर आया तो शादी के लिए। तो यार इतना स्मार्ट लड़का है, इतना अच्छा लड़का है, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है, ठीक है, बस लड़के को धोखा देती है, चली जाती है। बताओ इतना अच्छा लड़का अच्छा नहीं है रोली? बहुत अच्छा स्मार्ट है, मेरे लिए मेरे लिए भी खास है यार, बहुत साफ है, बहुत सही है ना। अब देखो एक बार देखो तो अच्छा नहीं है ये लड़का, अगर मेरी मम्मी पापा इतने प्यार से बोल रही इतना अच्छा लड़का ढूंढ रही है तो हर देखते एक बार देख लो। अरे यार क्या कर सकते हैं, अब जा रही है मेरी खुशी के लिए तो देख लो एक बार, एक बार देख लो, अच्छा नहीं है लड़का, अच्छा नहीं है ये, देखो बताओ इससे शादी नहीं करूं भाई, इसके लिए मैं कैसे मना करूंगी, इसके लिए मेरे भाई, मैं इसके लिए क्यों मना करूंगी। अरे क्या हुआ पागल, हर उसको हम लोग ने रुला दिया गाइस, ये देख सकते हो आप, तुम स्टार क्यों कर रहे थे वो आप भी किए थे याद है, ओ मैं हॉट पैंट पहन के आई थी तो याद है ना, तू भी तो रुलाए थे से, आपको चढ़ के दे सकती हूँ, बोला प्रैंक कर रही थी। तुम क्यों इस तरह बोले थे कि स्मार्ट है ये, स्मार्ट नहीं है, अपने भरोसा नहीं है, ये लड़का स्मार्ट कितना, देखो कितना स्मार्ट मेरा भाई, स्मार्ट है समझी तो भाई नहीं हूँ। अब ये लड़का कैंसिल कैंसिल कर देंगे, अभी फिर से रोने लगोगे, क्यों आप प्रैंक कर सकते हैं, हॉट पैंट में रोने कितनी सुंदर लग रही है, कैसे लग रही है, हाय कर दो अपने कैमरे को, हाय अपने कैमरे को, हाय तो सत्यम को बुलाए थे, सत्यम से बोले कैमरा लेके आओ शिवान को, अरे यार कर लो हम जा रहे हैं।